बिग बिलियन डे सेल और आईफोन सभी ये रिश्ता कोई पुराना नहीं रहा है दोस्तों, आप सब इससे वाकिफ हो। और क्या हम एक्सपेक्टेड प्राइस रख सकते हैं 24 में आईफोन के ऊपर, इसके बारे में अभी क्यूरी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो हम एक्सपेक्टेड प्राइस बताएंगे इस वीडियो में, और सबसे इंपॉर्टेंट एक मज़ेदार आपको फैक्टर बताऊंगा जो मुझे लगता है कि आईफोन के ऊपर भी भारी पड़ सकता है इस साल के बिग बिलियन डे सेल में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मयूर, आप देख रहे हैं एमएसबी टेक। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करने जाऊंगा दोस्तों आईफोन 12 के साथ। आईफोन 12 के एक्सपेक्टेड प्राइस वैसे कि अगर सब कंडीशन देखे और जब वो लॉन्च हुआ था उस ईयर के हिसाब से 24 के बिग बिलियन डे सेल की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि सरप्राइजिंगली हमें 30,000 के अंदर भी इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है आईफोन 12 की बिग बिलियन डे सेल फ्लिपकार्ट के ऊपर। ये अमेजोन के ऊपर नहीं देखने को मिला, काफ़ी कम चांस है। और ये भी मतलब अभी कंफर्म नहीं बोल सकते 50-50 चांस कि आईफोन 12 देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन अगर मिलता है दोस्तों तो मुझे ऐसा लगता है कि 30,000 के अराउंड आराम से देखने को मिल जाएगा इस बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 12। अगले डिवाइस की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों जो कि आईफोन 13। तो आईफोन 13 वैसे ही 50 के आसपास या इवन 45 के अराउंड आराम से देखने को मिलता है इवन विदाउट ऑफर या विदाउट बैंक डिस्काउंट। तो हो सकता है कि इस बार 35 से लेकर 40 के अराउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईफोन 13 की प्राइस। और आईफोन 13 अगर इस प्राइस रेंज में मिलता है 35 से लेके 40, यानी कि मैं बैंक डिस्काउंट के साथ बोल रहा हूँ, हो सकता है कि 37-38 या इनका जो पोस्टर वगैरह लगता है आईफोन 13 का, हो सकता है कि 39999 में स्टार्ट करें उसके बाद थोड़ा बढ़ा दे, या 34999 के साथ भी ये आ सकते हैं इनका पोस्टर मोशन, उसके बाद 1-2000 से ये बढ़ाएंगे। तो इन बिटवीन मतलब 35 से लेके 40,000 के अराउंड कहीं पे भी देखने को मिलता है आईफोन 13, क्योंकि इसका बेस वेरिएंट आता है दोस्तों 128GB वेरिएंट के साथ, तो ये काफ़ी अच्छी डील रहेगी। 40 के अंडर अगर आता है तो आईफोन 13 के लिए मतलब बेस्ट डील है, आईफोन 12 से भी ज़्यादा रिकमेंडेड है ये। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको इसमें अच्छे देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दोस्तों आईफोन 14 के बारे में। तो 14 का भी वही हाल रहेगा, 45 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 50,000 के आसपास हमें वैसे भी नॉर्मल सेल में देखने को मिल गया था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 40 से लेके 45 मतलब अगर आप लॉन्च होते हैं जैसे ही बिग बिलियन डे से लॉन्च हो जाएगा, अगर आप पहले आवर में कोई डील क्रैक करते हो तो हो सकता है कि आपको 40 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। 40 से लेके 45 आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईफोन 14। और वही अगर बात करते हैं आईफोन 40 प्लस की, तो 40 प्लस भी आपको अराउंड 50,000 आराम से देखने को मिल जाएगा, कोई भी शिकायत इसमें नहीं होगी। बैंक डिस्काउंट के साथ मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि 55 के आसपास इसका मतलब वही मोशन पोस्टर या जो प्राइस होगा सेल प्राइस वो आ जाए 55, लेकिन आप अगर डिस्काउंट वगैरह लगाते हो तो आराम से 50 के आसपास मिल सकता है। और फाइनली बात करेंगे दोस्तों इस साल की हॉट डील जो कि होगी आईफोन 15। हमें वैसे ही नॉर्मली 60 के अराउंड देखने को मिल गया था लास्ट सेल में, बिग सेविंग डे सेल में, तो आराम से ये भी आपको 50 के आसपास देखने को मिल जाएगा विथ बैंक ऑफर। और जैसे ही ये लॉन्च होगा मुझे ऐसा लगता है कि 49999 में इसका मोशन पोस्टर आ जाएगा और घंटे डेढ़ घंटे में इसकी प्राइस आराम से 55 तक बढ़ जाएगी। तो अगर आपको ये डील क्रैक करना है तो बहुत जल्दी आपको ये सेल पे बैठना पड़ेगा और जल्दी से ऑर्डर करना पड़ेगा, अदरवाइज 55 के आसपास मिलता है तो मेरे ख्याल से अच्छी डील होगी। लेकिन फिर उस टाइम के हिसाब से क्या ये मतलब कितना प्राइस बढ़ाते हैं वो देखने वाली चीज़ रहेगी। और सिमिलरली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईफोन 15 प्लस अंडर 60,000 रुपीज़ आराम से 59999 में ये आ जाएगा बैंक ऑफर के साथ में। ये 55 से लेके 59, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 59 ही होगा ये, और बैंक ऑफर के साथ आपको 1-2 हज़ार का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों 60,000 के अराउंड आईफोन 15 प्लस यानी आईफोन 12 से लेके आईफोन 15 प्लस सब आ जाएंगे अंडर 60,000, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। मैक्स टू मैक्स 65 तक ये चला जाएगा। और बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे अभी प्रो मॉडल्स की। तो प्रो में आपको पता होगा कि आईफोन 14 के पीछे वाले प्रो आपको शायद ही देखने को मिलेंगे, 1TB वगैरह या कलर जो भी ये कॉम्बिनेशन आते हैं वो मतलब आप डील क्रैक नहीं कर पाओगे। आईफोन 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स अगर आप जल्दी जाते हो तो हो सकता है कि आपको आसानी से मिल जाए, और इसकी प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 1 लाख रुपीज़ या 1,10,000 रुपीज़। तो इस प्राइस रेंज में आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स दोनों भी सही रहेंगे, और 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा और डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो भी 10,000 या 20,000 के आसपास आप ड्रॉप देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मतलब बहुत मिनिमल डील होती है, आप काफ़ी आसानी से नहीं देखने को मिलती, थोड़ा इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो 14 प्रो या 40 प्रो मैक्स, स्पेशली आईफोन 15 प्रो मैक्स, ये जो डिवाइस है दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई इस डिवाइस की तरफ मतलब बहुत कम ऑडियंस होती है इस डिवाइस को
या इस डील को लेने वाली, क्योंकि आईफोन 15 प्रो मैक्स जब तक लॉन्च होता है दोस्तों 16 प्रो मैक्स आ जाता है, और जिनका बजट 15 प्रो मैक्स ऑनलाइन लेने का होता है वो आराम से 16 प्रो मैक्स की तरफ भी जा सकते हैं, तो वो क्यों एक साल पुराना डिवाइस लेंगे। तो इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो 16 प्रो मैक्स की तरफ ही पड़ जाती है, उसकी वजह से हमें प्रो सीरीज़ के ऊपर इतना डिस्काउंट नहीं देखने को मिलता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो बात मैंने बोली थी दोस्तों कि इस साल मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन्स के साथ साथ एक और डिवाइस है उसके ऊपर भी काफ़ी लोग टूट पड़ सकते हैं बिग बिलियन डे सेल में, वो होगा दोस्तों मेरे ख्याल से S23 Ultra सैमसंग की तरफ से, क्योंकि सैमसंग S23 Ultra दोस्तों अभी रिसेंटली 90,000 में मैंने देखा था विदाउट एनी सेल। तो अगर ये 90,000 में अगर आता है दोस्तों तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन हो सकता है कि अराउंड 75 से लेके 80,000 रुपीज़ में हमें इसकी प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाए बिग बिलियन डे सेल में, और बैंक ऑफर के साथ ये अराउंड 70,000 रुपीज़ में देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी दोस्तों 65 के आसपास आपको आईफोन 15 प्लस और 70,000 रुपीज़ में अगर आपको S23 Ultra देखने को मिलता है तो ये भी काफ़ी मज़ेदार बात होगी दोस्तों, क्योंकि S23 Ultra में वैसे भी हमें सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, AI फीचर्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ, और वैसे भी ये फ्लैगशिप डिवाइस है सैमसंग की तरफ से आने वाला, लास्ट ईयर का भले ही है लेकिन फिर भी काफ़ी तगड़ा डिवाइस ये निकल के आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को सिर्फ आईफोन ही लेना है उनकी अगर हम कैटेगरी छोड़ दें, और जिनको सिर्फ छोटे स्क्रीन साइज़ वाले डिवाइस देने हैं तो वो मुझे लगता है कि 13, 14 या 15 की तरफ जाएंगे, लेकिन 15 प्लस वाले और जिनको सिर्फ आईफोन नहीं लेना है, कोई अच्छा डिवाइस लेना है, फ्लैगशिप डिवाइस लेना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो S23 Ultra पे भी शिफ्ट कर सकते हैं इस साल। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सैमसंग का भी प्राइस ड्रॉप हो सकता है, और उसी के साथ साथ 15 के प्राइस आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कितने तक जानी चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, अगर आपका कोई सवाल हो, सजेशन हो या सुझाव हो जिससे हम हमारे वीडियो इंप्रूव कर सकते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए